The question is, sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स हमको गिवन है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो इसमें और क्या क्या गिवन है कि जो ए बी साइड ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और मीडियन ए डी और पी एम आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको गिवन है। और हमको प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में ये प्रूफ कर दिया कि इनका कोई भी एक एंगल और उस एंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं और एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे, बाय SAS क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि साइड ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर और मीडियन ए डी और पी एम क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू साइड बी सी अपॉन साइड क्यू आर, राइट। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के आपस में सिमिलर है। अब देखिए, अगर हम इसको बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी डी ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ए डी क्या है, इस ट्रायंगल की एक मीडियन है, मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी मैं ले सकती हूँ। उसी तरह से इस ट्रायंगल में पी एम जो है एक मीडियन है, इट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अगर एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो मैं क्यू एम को ले सकती हूँ, सॉरी क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बी सी और क्यू आर की वैल्यूज क्या करनी है, चेंज करनी है। कैसे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू, इसको मैं ले सकती हूँ ट्वाइस ऑफ बी डी और इसको ले सकती हूँ ट्वाइस ऑफ क्यू एम, राइट। इसका रीजन देना है, एज ए डी एंड दूसरा है पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्योंकि क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, मीडियन है। इसके लिए D is a midpoint of BC and M is a midpoint of QR, right? अब इस रिलेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 से अगर 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा AB upon QR, AB upon QR is equal to AD upon PM is equal to BD upon QM, right? तो अब देखिए, ये तीनों के तीनों साइड्स जो कि प्रोपोर्शन में है, वो कौन से ट्रायंगल में लाई करते हैं। तो जो ये रिलेशन हमको फाइंड आउट हुआ है, उसको चेक करते हैं कि ये जो साइड्स हैं वो किस ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में, राइट, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, राइट। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के आपस में प्रोपोर्शन में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर हैं। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय SS सिमिलैरिटी दोनों के दोनों ट्रायंगल्स ए बी डी और पी क्यू एम क्या प्रूफ हो गए हैं, सिमिलर प्रूफ हुए हैं। अब दोनों, अगर ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं, तो
तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपस में, इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। हमने प्रूफ किया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट, और एंगल बी को बी को बनाने वाली दो साइड्स ए बी और बी सी, इसमें क्यू को बनाने वाली दो साइड्स यानी उसकी दो जो आर्म्स हैं पी क्यू और क्यू आर, ये आपस में अगर प्रोपोर्शन में है तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखिए हमको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। सो इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं by SAS similarity we can say triangle ABC is similar to triangle PQR, यहां पे ही हमारा आंसर प्रूफ हो गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, दो ट्रायंगल्स गिवन हैं, उनके जो है इनमें AB साइड AB upon PQ बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम है, ए डी और पी एम जो है दोनों ट्रायंगल्स क्या है, रिस्पेक्टिव मीडियंस हैं। अब हमको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को क्या प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ किया, वहां से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमको मिला। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच पर हम कह सकते हैं कि बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।